प्रदेश में एससी एसटी मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा के 200 नमो प्रवासी एसटी एससी बाहुल इलाकों में जाकर भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे और प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नमो प्रवासियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और विधायक सतीश पूनिया ने नमो प्रवासी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और 25 लोकसभा सीटों को 5 क्लस्टरों में बांटा गया, जहां पर नमो प्रवासी मंदिरों, चाय पर चर्चा, रात्रि चौपाल के माध्यम से दलित और आदिवासी मतदाताओं को साधने का काम करेंगे और बाबा साहब अंबेडकर के लिए मोदी सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी महिंद्रा ने भी बताया कि कांग्रेस ने हमेशा एसटी एससी के लोगों के साथ धोखा किया है। व्यक्ति निर्णायक स्थिति में हैं, जहाँ 10% से 15% से ज़्यादा हैं, 25 तो हमारी विधानसभा सीटें हैं और 3 हमारी लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किए गए हैं केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, उनको हमारे कार्यकर्ताओं के मार्फत जहाँ जहाँ भी हमारे ब्लॉक्स हैं, जहाँ पर ये वर्ग ज़्यादातर इस समय बैठता है, उनके द्वारा हमको ये संदेश देना है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के काम किए हैं। पहले तो हमने पूरे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को 5 भागों में, 5 क्लस्टर में विभाजित किया है और हमारे प्रत्येक सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी प्रदेश के, उन्हें हमने 5-5 लोकसभा दिए। हर लोकसभा का एक प्रभारी लगाया है, कोई MLA है, कोई MP है, कोई XMLA, XMP प्रदेश के पदाधिकारी, और उसके बाद 200 की 200 विधानसभाओं में हमने